हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जी सुबह उठते ही मिल चुके हैं हमें थोड़े और सरप्राइजेस, घर पे आया बुके और केक। गिफ्ट खत्म होने का नाम नहीं ले, लगता है मुझे मैं 31 ईयर का होगा, 31 गिफ्ट्स होंगे। मेरे साथ हो गई है क्लोल, इन्होंने मेरा खून लेने से कर दिया है मना। हेल्दी लाइफस्टाइल घंटा होना है। पार्टी भर के यहाँ पे चॉकलेटे दे रही है। हेलो एमजी फैमिली, होप दैट यू डूइंग वेल। सो गाइस, 3-4 घंटे के बाद है ओंकार का बर्थडे और ओंकार को यही लग रहा है कि मैंने उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड की चप्पल खरीदी है, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे वीडियो किसी ने हमारी फोटो डाल दी थी, तो सरप्राइज जो था वो खराब हो चुका है एक तरीके से। बट मैंने ओंकार के लिए बहुत ही स्पेशल चीज सोची है। तो बेसिकली इसमें मेरे को याद ना, ऐश और आदित्य ने बहुत हेल्प की है, क्योंकि आज हम पूरा दिन इकट्ठे थे, साथ में थे, जिसकी वजह से मैं ओंकार के लिए कुछ भी प्लान नहीं कर सकती थी, क्योंकि आज फूडी का शूट करना था। अभी मैंने प्लान किया, ये है ओंकार का 31st बर्थडे, सो आई एम प्लानिंग टू गिफ्ट हिम 31 गिफ्ट। एंड आई नो ये ओंकार ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और ओंकार को बहुत स्पेशल लगने वाला है, वो छोटे छोटे गिफ्ट बहुत वैल्यूएबल होते हैं। तो एंड गाइस, अभी ओंकार खाना खा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपको फटाफट जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ दे दूँ। तो ओंकार के लिए अभी हमने रात को केक मम्मा पापा ने मंगवाया है, तो पहला गिफ्ट होगा ओंकार का केक, जो कि मम्मा ने अपने रूम में छुपा के रखा हुआ है। तो हमने बोला कि 12 बजे ओंकार को सरप्राइज देंगे हैप्पी बर्थडे, एंड आई थिंक वो तो ओंकार को पता ही चल जाएगा, प्रिटी क्वाइट क्लियर कि हम 12 बजे सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइक केक कटिंग एंड ऑल दैट। बट इसके बाद धीरे 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 मैं उसको वन बाय वन गिफ्ट देती रहूंगी। तो अभी ईश्वरा आदित्य मेरे लिए सामान खरीद रहे, क्योंकि अगर मैं जाऊँगी तो ओंकार को ऑब्वियसली डाउट होगा कि कुछ तो लेने गई है। तो अभी ऐश और आदित्य सामान खरीद के घर के बाहर रख जाएंगे, एंड आई विल पिक, और होली होली करके मैं ओंकार को जो एक एक करके गिफ्ट देती रहूँगी। थैंक यू ऐश एंड आदित्य। बट एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि ऐश ने एक बहुत ही बढ़िया चीज़ की, ऐश के हेल्प के बिना ये सरप्राइज भी कबाड़ा हो जाता। वो क्यों था मैं आपको बाद में अच्छे से खुले आम तेज आवाज में एक्सप्लेन करूंगी। अब खाना खा लेते हैं। एंड गाइस, छोटी सी दिक्कत ये हो गई है कि ओंकार रंधावा जी ने लगा ली हुई है मूवी, तो एक बार ओंकार को ट्राई करती हूँ कि टीवी छोड़ के वो सोने आ जाए। ओंकार पानी की बोतल मैंने यहाँ रख दी है, ठीक है, और सोना है भी या देखनी है मूवी? आई थिंक ओंकार सो चुका है। मम्मा मैंने किसी मेरे पीछे पीछे आए, वैसे तो ऐसा लग रहा है मुझे सो गया, बट पता नहीं सोया नहीं सोया। मैं तब तक ओंकार के लिए गिफ्ट उठा लगती हूँ, गाड़ी में रखा है। सच्ची बताऊँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ओंकार सोने की एक्टिंग कर रहा था, बट आई होप वो सच्ची में सो रहा हो। और गाड़ी में ऐश को बोल दिया था कि मेरा जो गिफ्ट है वो गाड़ी में रख देना। सो अभी मेरे पास दो गिफ्ट है देने के लिए, जो कि मैं ओंकार को एक अभी दूंगी, एक सुबह दूंगी, और धीरे 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 करके सारे 31 गिफ्ट ओंकार को मैं धीरे धीरे देती रहूंगी। और जी, ऐश ने बड़ी स्मार्टनेस से गिफ्ट छुपाया है यहाँ पे, परफेक्ट। और ये रहा ओंकार का पहला गिफ्ट। मम्मा इस पे कैंडल्स लगा दो, 2 मिनट रह गए, मैं ओंकार को उठा लेती हूँ। उठ गए पापा? मम्मा 12 बज गए, कैंडल नहीं मिल रही ना। ओह शिट, बुला लो, नहीं तो बुला लो ये वाली, फिर ये बड़ी वाली कैंडल ही जला दूँ, बोलेगा दिवाली है क्या। ऐसी साइड पे रख दो, है ना। उठो फिर, 2 मिनट के लिए उठ सकते हो, चुपचाप कपड़े पहनो और उठ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओंकार बोलता होगा ओंकार, छोटा सा गिफ्ट। तुम बोलते बर्किंस्टॉक फोटो की चाहिए, फोटो की चाहिए। हाँ क्या, बर्किंस्टॉक तो नहीं है वो? अच्छा, टी-शर्ट क्या वाला? नाइस, अच्छी है, अच्छी है, काफी अच्छी है, थैंक यू सो मच। मम्मा ने भी जो केक था वो रूम में छुपाया था, सो दैट ओंकार फ्रिज में ना देख पाए। देखा, ओंकार को लग रहा था मैंने उसके लिए बर्किंस्टॉक लिया, जो कि मैंने एक्चुअल में लिया था, ये मैंने जस्ट ओंकार को वो मतलब कि डाइवर्ट करने के लिए टी शर्ट दी स्टार्टिंग में। अब मैं जो अगला गिफ्ट सुबह दूंगी, दैट विल बी ये वाली महंगी वाली चप्पल। बर्थडे विश जो है ना, वो हो चुकी है बहुत ही ज्यादा स्पेशल,
बहुत अच्छा लगा मुझे, सारों ने उठ के मुझे विश किया केक आया हुआ था आपकी। नहीं मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं था कि केक वगैरह भी आया होगा। मैं तो ऐसा था कि फोन भी अपना साइलेंट करके सो रहा था, सुबह देखूंगा किसी ने विश किया या नहीं। देखो ये होता है जिनको एक्सपेक्ट ही नहीं होता कि कुछ होगा। अच्छा लगता है जब कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते और तब कोई करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। और अब मैं सो रहा हूँ, सुबह देखते हैं क्या करने को। गुड नाइट। गुड नाइट। A few hours later. Hi guys, मैं वेट कर रही थी कि ओंकार सो जाए। फाइनली ओंकार सो चुका और मैं भी सो चुकी थी। रात को स्पेशल आदित्य और ऐश मेरे गिफ्ट पैक कर रहे थे। बेचारों ने इतना काम किया है। उसके बाद मैंने उनको बोला कि गिफ्ट घर के बाहर रख जाना, तो शायद वो घर के बाहर गिफ्ट वगैरह रखे हुए हैं, एक बार चेक कर लूँ। मेरे गिफ्ट्स, yay, I'm so excited. अरे बाप रे, तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। मैंने ना भी इतनी बड़ी स्टूपिडिटी की, मैं घर के बाहर गिफ्ट लेने क्यों कार के और मैंने घर की बेल बजा दी। मैं कोई टेंशन होगी मम्मा तो कार ना मुझे। मम्मा सारे गिफ्ट छुपा दिए। चलो ठीक है, आपको भी डिस्टर्ब किया, मेरे बेल को बजा दी। The next day. तो जी सुबह उठते ही मिल चुके हैं हमें थोड़े और सरप्राइजेस। घर पे आया बुके और केक जो कि मेरे मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ ने भेजा है। अभी मैं तैयार होके जाने लगा हूँ सबसे पहले गुरुद्वारे। और जैसे बर्थडे पे स्कूल टाइम पे हम नए कपड़े पहन के जाते थे, अलग कपड़े पहन के जाते थे, आज मैं नए जूते पहन के जा रहा हूँ। बट ये जूते बहुत सुंदर है तुम्हारे, बहुत सुंदर है। अभी पहले गुरुद्वारे जाएंगे और फिर और भी प्लान है चीजें। और आज ना भगवान जी ने भी मेरे को दिया है गिफ्ट। बड़े दिनों से धूप वाला मौसम हुआ हुआ था, आज मौसम ने ली है करवट। प्रॉपर हवा चल रही है, ठंड हुई है, ऐसे लग रहा है पहाड़ों में स्नोफॉल हुई होगी। ओके, हाँ जी, कॉफी पियोगे आज? बर्थडे स्पेशल कॉफी बाय मुक्ति गौतम। चलो ठीक, कॉफी फॉर बर्थडे बॉय। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थिंक मुझे ओंकार को गिफ्ट देने शुरू कर देनी चाहिए। सो दिस इज गिफ्ट नंबर 3। हैप्पी बर्थडे ओंकार, खोलो देखो गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट। तुम्हें चांद लेके आई है? देखा, तुम बोलते थे चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं लेके आई हूँ तुम्हारे लिए चांद। ये बेड साइड मामा लैंप है जो ऐसा लगता है कि मून है पड़ा साइड पे। तूने इतनी शॉपिंग कैसे कर दी मेरे बिना? यार तुम व्लॉग देख लेना तो पता चल जाएगा तुम्हें। अभी तुम खोलो, एंजॉय करो। तो ये चांद बहुत ही बढ़िया चीज, बहुत कलरफुल चांद है। ओए इसको यहाँ रखो ना मम्मा, देखो चांद, कलरफुल चांद। ये गिरगिट चांद है, थप्पड़ मारो रंग बदलता है। सच्ची है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सच्ची अच्छा। पर सच्ची बोलूं, ये मैंने ऑनलाइन काफी बारी देख के सोचा कि मैं ले लूं। सच्ची में? हां सच्ची, सो लगे। ओ पर मैं कदे रहने की मेनू पता नहीं सी किदा होगा, पर ये बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो ये चेंज हो रही है ना। तो आज हमारे घर पे जो आरओ है वो हो चुका है खराब, तो हमने पानी की केनी मंगाई है क्योंकि पानी तो पीना है ना। बिल्कुल, उप्स, वेरी गुड। और थोड़े से स्नैक्स भी मंगाए हैं जो कि ओंकार के बर्थडे पे खाए जाएंगे। नाउ इट्स टाइम टू गिव ओंकार का चौथा गिफ्ट। ओंकार भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना रहा है, तो मैंने सोचा फटाफट ले आओ, इससे पहले इसको पता चले कि मैंने गिफ्ट्स कहाँ छुपाए ओंकार के। फाइनली ओंकार को बर्किनस्टॉक देने वाली हूँ, क्योंकि ओंकार को पहले पता चल गया था कि पहले उसने अच्छा गेस मार लिया था, ठीक गेस मार लिया था कि मैं उसके लिए ले रही हूँ चप्पल बर्किनस्टॉक की। उसको एक बार सरप्राइज करती हूँ। हैप्पी बर्थडे ओंकार। ये वाला बर्थडे गिफ्ट तो मुझे एक्सपेक्टेड था, क्योंकि ये बर्थडे गिफ्ट शॉपिंग करते वक्त किसी सब्सक्राइबर ने मुक्ति के साथ फोटो खिंचाई जो उसने इंस्टाग्राम पे डाली और मैंने देख लिया बैकग्राउंड में चप्पलें इंस्टाग्राम पे। तो लेट्स सी। और ओंकार ने मुझे व्हाट्सएप पे पता क्या मैसेज किया जब इसने इंस्टाग्राम पे फोटो देखी सब्सक्राइबर के साथ और भी इस ब्रांड के सामने, ओंकार वाज लाइक मुझे इसकी चप्पल नहीं चाहिए, बहुत महंगी चप्पल आती है, तभी तुम्हारे लिए दी है क्योंकि मुझे पता है तुम खुद से नहीं खरीदोगे। सेम इसकी डुप्लीकेट चप्पल मैंने खरीदी थी। एक बार डुप्लीकेट इसने ना ओंकार ने डुप्लीकेट ली। मैं कह रही हूं कि ये दी डुप्लीकेट तो घर पे ही है। वो डुप्लीकेट के वो टूट गई है। टूट गई है? हाँ, अभी पड़ी है कहीं? पड़ी है। दिखाते ना हम, देखते कंपेयर करते कि असली और नकली में फर्क क्या है। देखने में तो डिट्टो ऐसी थी वो भी। देखिए और असली और नकली में होता है फर्क। वो नकली वाली टूट भी गई है, वो मुझे पता भी नहीं, एक महीने में टूट गई थी। अब हम ये देखेंगे ये जो असली ब्रांड वाली है ये कितने देर तक चलती है। मैंने सुना काफी सालों तक चलती है इनकी चप्पलें। सुना तो मैंने भी यही सुना भी है, बट हम प्रैक्टिकली अब पहन के अब बताएंगे। साइज परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ये
गुड गुड। और ये चप्पलों का एक फायदा है, हाँ? जैसे मेरा साइज 10 नंबर है, हाँ हाँ, ये साइज की चप्पल पापा नहीं पहन सकते, दूसरे ब्रांड ये अच्छी बात है, ये जिस पैर के साइज के लिए उसी के लिए ही है, क्योंकि शेप ही इसका इस तरीके शेप है। वो कह रहे कि अगर शेप नहीं होगा तो शेप ले भी लेगा, वो क्योंकि कॉर्क है ना, वो आप पहने हो गए तो शेप ले लेती है, हाँ। अच्छी है, अच्छी लगी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। अभी तक तो मुझे लग रहा था सस्ते में टका रही है, पहले तो टी शर्ट दे दी, ये चांप दे दिया, अभी ना मैं बस गुरुद्वारे और ब्लड डोनेट करने के लिए निकलने ही वाला हूँ, पर घर वाले मुझे जाने नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं खाली पेट कहीं नहीं जाते हैं। सुबह से मैंने कॉफी पी ली है, केक खा लिया है और पिस्ते खा लिए हुए, पर फिर भी घर वालों के हिसाब से मैं हूँ खाली पेट। तो मेरे लिए इन्होंने दलिया बनाया हुआ है जो कि मैं नहीं खाता हूँ, तो माता जी ने स्पेशली ब्रेड का पीस गरम किया है, ये वाला, ये मैं खा रहा था, तो इस पे नमक लगा के दे रहे हैं। घर वालों के हिसाब से अब मैं खाली पेट नहीं हूँ, तो चलते हैं पहले गुरुद्वारे चलते हैं। कितने गिफ्ट क्या है पता नहीं, ये आ ही पड़ा था। कितने गिफ्ट है पहले ही बता दे मेरे को, है? और ये छुपा के कहाँ रखे हुए थे मुझे ये बता। गिफ्ट खोलते से चप चप नहीं कहते कोई इसको। भाई गिफ्ट खत्म होने का नाम नहीं लगता है मुझे, मैं 31 इयर्स का होगा, 31 गिफ्ट्स होंगे, ऐसा ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, तो भी 31 गिफ्ट सोचेगा इंसान कैसे। तो ये बांटने के लिए मुझे टॉफी दी गई है, बांटने को खाते हो पल्स? पल्स खाता हूँ, अच्छी लगती है मुझे। और अब मुझे पता लग गया शायद 31 गिफ्ट्स मुक्ति देने वाली है। बेशक 31 ना भी हो मैं फिर भी खुश हूँ, पर नाइस, थैंक यू, अच्छी लगती है पल्स। आज ना मुक्ति ने मुझे एंड गल बात फील करा दिया हुआ है, लव यू है उससे बहुत ही ज्यादा, लव यू इन्फिनिटी है। अब चलते हैं ब्लड डोनेट करने और गुरुद्वारे। अभी सबसे पहले लेंगे हम गुरुद्वार साहब के लिए मिठाई। अभी ना ब्लड डोनेट करने से पहले एक काम और है जो हमने करना है, एक्चुअली जो हमारी फूडी वी की वीडियो में मिक्सी ग्राइंडर शहीद हुई थी ना, उसको ठीक कराना है, यहाँ पास ही मार्केट में ना मरम्मत वाला है जिससे हो जाएगा, तो हमने सोचा वो करवा ही लेते हैं। ये देखो गाड़ी की डिग्गी में ही हमने रखी हुई है कि जब मौका मिले ठीक करवा ले, पकड़ना पापा, ये भी उठा ही लेता हूँ, इसके साथ पता लग जाएगा। ये लो फाइनली जाके कारीगर बंदे मिल गए हुए हैं जो कह रहे कर देंगे ठीक, शाम को पक्का बाजी। ओके डन। मीनवाइल अगर मैं कार को एक एक करके गिफ्ट देने लगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा सारे गिफ्ट्स देने में, तो मैंने अब ये 4-5 गिफ्ट ओंकार की गाड़ी में रखने लगी हूँ, थार में रखने लगी हूँ, और 4-5 गिफ्ट मैंने वहाँ टेबल पे सजा दिए हुए हैं। अब देखते हैं ओंकार का आके क्या रिएक्शन होगा। पापा और ओंकार को कम से कम 1 घंटा लगेगा क्योंकि अभी ओंकार गया हुआ है ब्लड डोनेट करने, तो मैं सोची तब तक गाड़ी में ना डेकोरेशन वगैरह कर देती हूँ, और ओंकार को कोई बहाने से मुझे गाड़ी में भेजना पड़ेगा कि ओंकार गाड़ी से ये लेके आना या फिर गेड़ी पे चलते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो Meanwhile, और अब ना जी चलते हैं ब्लड डोनेट करने, और आज मैं लाइफ में पहली बारी ब्लड डोनेट करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक दो बारी कोशिश करी थी ब्लड डोनेट करने की, पर जो ब्लड डोनेट लेने वाले लोग होते हैं उन्होंने ही मना कर दिया था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, सर्जरीज वगैरह मेरी चल रही थी, दवाइयां चल रही थी, ब्लड लॉस वैसे ही बड़ा होता था, तो उन्होंने बोला आप रहने दो। आज फाइनली जाके पहली बारी ब्लड डोनेशन, और इसकी इंस्पिरेशन मुझे मिली है आदित्य गौतम से। ब्लड ना डोनेट करने मैं आ चुका हूँ PGI हॉस्पिटल, मतलब इंडिया का फाइनेस्ट हॉस्पिटल है, बट मैनेजमेंट थोड़ी सी यहाँ पे कमजोर है। ग्राउंड फ्लोर पे मैंने पता करा कि ब्लड कहाँ पे डोनेट होएगा, कहते ब्लड बैंक जाओ जो कि 3rd फ्लोर पे है, और यहाँ से मुझे कह रहे हैं कि नीचे होएगा ग्राउंड फ्लोर पे। लिख देना चाहिए यार, जैसे यहाँ पे बोर्ड वगैरह लगे हुए ना, ऐसे बोर्ड लगे होने चाहिए जिससे पता लग जाए ब्लड डोनेट होना कहाँ पे है। 107 नंबर कमरा कहाँ पे होगा? 107 पे ट्रामा सेंटर में है। कहाँ पे है वो? तो जी जिस चीज को मैं ढूंढ रहा था वो फाइनली जाके मेरे को मिल चुका हुआ है, और एक्चुअली जिस बंदे से सबसे पहली बारी मैंने पूछा ना उसने मुझे मिसगाइड कर दिया, गलत जगह पे भेज दिया, जिस वजह से दर दर भटक रहा था यहाँ पे फॉर्मेलिटियां करते हैं और करते हैं फाइनली हम ब्लड डोनेट। मेरे साथ हो गई है क्लोल, इन्होंने मेरा खून लेने से कर दिया मना, कहते हैं कि आपके शरीर में पहले ही खून कम है, आप क्या खून दोगे। हीमोग्लोबिन एक्चुअली उन्होंने चेक किया जो कि मेरा कम था, यहाँ पे उन्होंने सुई मार के थोड़ा सा खून निकाला, मैं उसी को डोनेशन मान लेता हूँ। यहाँ पे आके मैंने अराउंड 1 घंटा इंतजार किया क्योंकि लंच टाइम वगैरह चल रहा था, और उसके बाद निराशा मिली है मुझे, निराशा। चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश करी ना, मेरा इंटेंशन
तो अच्छा था, ऐसे ही सोच के दिलासा दूंगा अपने आप को। नहा धो के मैं हो चुकी हूँ तैयार, और इधर ओंकार रंधावा जी की मेरे को मम्मा ने बताया कि ब्लड डोनेट नहीं हो पाया। नहीं हो पाया मेरे ख्याल जो वो ब्लड डोनेशन लेने वाली थी ना, उसने जान के मुझे मना कर दिया। मैं वहाँ डोनेशन देने गया ना, वैसे पूछती आपने ब्लड डोनेट किसके लिए करना है, मैंने कहा आपके लिए करना है। सच्ची बोला? हाँ मैंने बोला, मतलब कहती किसके लिए करना है, मैंने कहा आपके लिए। मैं तो ऑब्वियसली वॉलंटियर करने गया था ना, मैं तो आपके लिए कर रहे हैं। पता नहीं फिर उसको लगा कि उसको ब्लड की जरूरत नहीं है तो मेरे को मना ही कर दिया। नहीं सच्ची मैंने हीमोग्लोबिन वगैरह चेक किया, कहती कम है। कम है ना, तो उसी की वजह से मना किया ना। पर मैं तो ये भी सोच सकता हूँ ना कि अब तो उसको मेरी बात अब से कुछ चेंजेस लेके आऊंगा अपने। हाँ जी पापा, जंक फूड नहीं खाऊंगा। नहीं बोला मैंने, बोला मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला है कि अब से मैं लाइफ स्टाइल अपना चेंज करूंगा, थोड़ा वर्कआउट वगैरह करूंगा और हेल्दी डाइट फॉलो। यार वीडियो बनानी होती है फूडी वी की, ऐसे अरे मतलब वो तो हम भी बनाते हैं, वो तो हम भी बनाते हैं फूडी वी की वीडियो। हैप्पी बर्थडे ओंकार। एक और गिफ्ट। हाँ नहीं, और भी तो है, तीन दो तीन और गिफ्ट ही। अच्छा गिफ्ट हो गए, मतलब ठीक है समझ गया। एक पॉइंट के बाद ऐसे ऐसे गिफ्ट मिलने वाले हैं मेरे को। डोरिटोस का पैकेट दिया है, ये डाइट को खोल लो ना, कोल्ड ड्रिंक डाल दी होगी। कितने खराब हो, ऐसे लोग मुझे बहुत गंदे लगते हैं, पहले ही गेस कर लेते हैं। वाओ कोल्ड कॉफी, सो ब्यूटीफुल गिफ्ट, आई लव इट। वो भी खोल ले दो। अच्छा दो, अच्छा ये भी गिफ्ट है, मग नाक बनी हुई है इसकी तो। हाँ ये जुकाम हो गया इसको, जुकाम हो गया। नहीं ये बड़ा अजीब सा मग है। अजीब नहीं होता, अच्छा बोलते हैं उसे। अजीब सा है, नाक दिखा रहा है अपनी। अच्छा है, इसकी नाक तोड़ दूंगा मैं। ये शायद कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हेल्दी लाइफस्टाइल घंटा होना है, पार्टी भर के यहाँ पे चॉकलेटे दे रही है। यार मुझे ये बता, ये सारा सामान, अरे तुम्हें पता घर पे कब आया? व्लॉग देखना। इतने ज्यादा प्यारे प्यारे गिफ्ट देने के बाद मुक्ति दे रही है मुझे एक और बहुत ही ज्यादा प्यारा सा गिफ्ट। एक्चुअली लंच का टाइम हो चुका हुआ है, खाया मैंने थोड़ा ही है, सबने लंच करना है, सारे वेट कर रहे थे कि तुम वापस। तो मुक्ति बड़े ही प्यार से कुलचे जो है सेक रही है, आया है। प्यार से मेरे लिए तो बहुत प्यारी चीज है, बहुत जोर से लग रही है। आज स्वाद दुगना आएगा मुक्ति, क्योंकि तेरा प्यार भी जा रहा है कुलचों में और छोलों में मम्मी का प्यार, मेरा प्यार। वाह, माँ और बीवी दोनों का प्यार मिलने वाला है मुझे आज के लंच में। और हमारा जो ये आरओ है, फाइनली जाके एक भैया आए हैं अभी ठीक करने के लिए। पापा लगे हुए हैं डिबेट करने की क्या ठीक करोगे, वारंटी है नहीं है, क्योंकि आरओ बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी खराब हो रहा है हमारा। मुझे पता क्या लगता है, आरओ की जब भी हम सर्विस करवाते हैं ना, उसके बाद खराब होता ही रहता है, मतलब अगली बार कोई चीज। हाँ बस खा रहा हूँ। स्टूडियो में जो आरओ लगा हुआ ना, मैंने आज तक उसकी एक बारी भी सर्विस नहीं कराई, बढ़िया चल रहा है। घर पे हर 4 महीने बाद आरओ ही खराब हुआ रहता है हमारा। और एक और गिफ्ट मुक्ति के द्वारा दिया गया ओंकार को, कमरा पूरा चकाचक क्रिस्टल क्लियर। मुक्ति क्लियर तो नहीं है, नहीं नहीं साफ है बहुत। जब तुमसे एक बार पूछ रही थी ना कि तुम गिफ्ट में क्या लेना पसंद करोगे, नहीं सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से साफ किया है। थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, और आई थिंक शायद मुक्ति ने मुझे और भी गिफ्ट देने होंगे, तो उनकी उम्मीद बधाई रखते हैं। ये वाला व्लॉग अभी करते हैं खत्म, क्योंकि मुझे पता है कुछ ना कुछ और देगी ये लड़की, वैसी बस एक्सपेक्टेशंस अब मेरी बढ़ चुकी हुई है इससे। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, पार्ट 2 जल्दी आएगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना होगा तो कर देना, कमेंट कर देना हैप्पी बर्थडे टू ओंकार। डोंट फॉरगेट टू वॉच पार्ट 2। हाँ पार्ट 2।